पर इस वक्त खबर गाजियाबाद से, जहां पर एबीईएस कॉलेज में छात्र के जय श्री राम बोलने और मंच से उतारने के मामले में कॉलेज डायरेक्टर ने जांच का आदेश दिया। तो दूसरी ओर हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने कल 12 बजे कॉलेज पहुंचने का ऐलान किया है। आपको बता दें, छात्र के जय श्री राम बोलने के बाद टीचर ने उसे स्टूडेंट को मंच से उतार दिया था। यह वीडियो सामने आया। इस वीडियो के आधार पर अब एक तरफ बवाल मचा तो कॉलेज प्रबंधन ने जांच की बात कही, तो दूसरी तरफ हिंदू दलों की ओर से भी आवाज उठाया जा रहा है। तो हिंदू दलों की ओर से आवाज उठाते हुए केस दर्ज कराने की बात हो रही है। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी कल 12 बजे कॉलेज पहुंचने का ऐलान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल से 2 दिन के अयोध्या दौरे पर होंगे। सीएम योगी दोपहर 3:35 पर रामकथा पार्क हेलीपैड पहुंचेंगे। 3:45 पर हनुमानगढ़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दर्शन पूजन करेंगे। शाम 4 बजे राम जन्मभूमि पर पहुंचकर रामलला का दर्शन पूजन करेंगे और इसके बाद आयुक्त सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। शाम 6:15 से 7:15 बजे तक विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। सरयू अतिथि गृह में सीएम योगी आदित्यनाथ का रात्रि विश्राम है। अगले दिन यानी कि 22 अक्टूबर को सुबह 8 बजे बड़ी देवकली मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करेंगे। 8:15 बजे मुख्यमंत्री सरयू अतिथि गृह पहुंचकर संतों से मुलाकात करेंगे। 9:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय बस स्टॉप परिवहन निगम की बसों को हरी झंडी दिखाएंगे।